सनोली रोड स्थित छोकर पेट्रोल पंप के नज़दीक मयूर कॉलोनी में इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के विधायक महिपाल ढांडे का स्वागत समारोह किया गया। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया व शॉल भेंट करके सम्मानित किया गया। एसोसिएशन के प्रधान मयूर सैनी ने बताया कि मयूर नगर में सड़कें कच्ची हैं, ना तो पानी की निकासी है, जिसकी वजह से गंदा पानी सड़कों पर खड़ा रहता है और बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऑटो रिक्शा, घोड़ा गाड़ी भी कई बार पलट चुकी है, जिसकी वजह से लोग चोटिल हो जाते हैं। यहाँ ना तो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, आए दिन एरिया में चोर सक्रिय रहते हैं। उन्होंने एसोसिएशन की तरफ से एक ज्ञापन देकर मयूर कॉलोनी को मूलभूत सुविधाएं देने की गुहार विधायक से लगाई है। इस अवसर पर उप प्रधान जितेंद्र गर्ग, राकेश, कपिल बरेजा, सुनील गोयल तथा अन्य सभी मेंबर मौजूद रहे। ये इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन हमारी बनी है काफ़ी साल समय से, और मयूर नगर इसका रखा गया है नाम। और इसमें सबसे ज़्यादा समस्या जो हमें आ रही है, चार साल से लगातार समस्या बनी हुई है हमारे साथ, सड़कें नहीं है, हमारी कच्ची गलियां हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, और पानी की तो निकासी का नाम ही नहीं है। आज तक कोई भी गली नहीं बन पाई है। कितनी बारी हम चले गए हैं पार्षद जी के पास और विधायक जी के पास, आज हमने उन्हें बुलाया, एसोसिएशन में स्वागत समारोह रखा गया है और उन्होंने आके हमारी सारी समस्या सुनी है। उनके साथ हमारे पार्षद सतीश सैनी जी भी आए हैं। समस्या सुनने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहुत जल्दी आपकी सारी समस्याओं पर निपटारा किया जाएगा, और चुनाव से पहले कोशिश रहेगी कि वो हमारी सड़कें, स्ट्रीट लाइट सारी सब सुचारू रूप से पूरे ढंग से चालू करवा बना दी जाएगी। जैसे आपने बताया, कितने साल हो गए इसको एरिया को बसाजत हुए? लगभग हमारे को देखते देखते जैसे हमारी इंडस्ट्री आनी चालू हुई है यहाँ पर, हमें 7-8 साल से तो हम देख रहे हैं कोई भी सड़कों का कभी निर्माण नहीं हो पाया है यहाँ पर। अब विधायक जी जो लगातार ये सड़कों और कॉलोनियाँ भेद करवाए जा रहे हैं, उन्हीं के भरोसे हमें उम्मीद है कि अब उनकी तो ये क्या कहते हैं जुर्त में हमने सबने समझाया कि अब पानी की निकासी की बहुत समस्या, और सबसे मेन समस्या हमारे ये होती है कि छोटे वैन जैसे बुग्गी होगी, ऑटो हो गए, मिनी ऑटो हो गए, आए दिन पलटते रहते हैं। अब बारिशों के दिनों में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, निकलने की जगह नहीं रहेगी। और अब हम क्या कहते हैं अपने विधायक जी से यही आश्वासन मिला कि बहुत जल्द से जल्द हमारी ये समस्या सॉल्व कर दी जाएगी, और आने वाले टाइम में इलेक्शन से पहले हमें उम्मीद है कि हमारे कर दें, ताकि आने वाले टाइम में हम भी अपने को इनको समर्थन में पूरी जो जान लगा सकें। ठीक है, क्या नाम आपका? मयूर सैनी, इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन। के विकास कराया है, ये क्षेत्र कैसे आपसे छूट गया? इसका भी करा रहे समाधान, इसमें कई टेक्निकल अड़चने हैं, उन टेक्निकल अड़चनों को दूर करके यहाँ का भी डेवलपमेंट होगा। जिस तरह की टेक्निकल अड़चन है वो मैं नहीं उचित समझता कि आप लोगों के सामने वो सारी बातें मैं बताऊं, मगर कई टेक्निकल अड़चने हैं। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके इन टेक्निकल अड़चनों को भी दूर करके, जैसे बाकी सब कॉलोनियाँ रेगुलराइजेशन में आई हैं, नियमित हुई हैं, वैध हुई हैं, ऐसे ही एक छोटा सा पॉइंट यहाँ का बचा हुआ है, हम लोग उसको भी क्लियर करा के यहाँ भी वो तमाम सुविधाएं देंगे जो सुविधाएं हमने बाकी सब जगह पर दी हैं। मगर बाकी जो सब जगह दी हैं वहाँ पर भी कुछ लोग राजनीति करने पहुँच रहे हैं, ऐसे लोग जिनको पता ही नहीं कि काम होगा कैसे, काम करना कैसे है, जिनके बरसों बरसों तक सरकारें रही हैं, सरकारें चलाई हैं, तब तो आंख बंद करके वो नशे में घूमते थे, राजनीतिक नशे में, सेवा उनका भाव नहीं था। और जब काम हो गए अब ढूंढते फिर रहे हैं, पक्की सड़कों पे 100 की स्पीड से गाड़ी चला के जाते हैं, अपने लोगों की ड्यूटी लगाते हैं, आदमी उनके पास है नहीं, हायर कर रखे हैं पैसों में, वो जाके ढूंढ के बताते हैं कि भाई यहाँ पे एक गली कच्ची पड़ी है, यहाँ पे कीचड़ है, वो वहाँ पे नेता लोग जाते हैं, जाके खड़े होके फोटो खिंचवाते हैं और बोलते हैं ये ढांडा का विकास। वो बोल रहे हैं कि ये 400 करोड़ रुपये, 400 करोड़ नहीं, 2000 करोड़ रुपये के आसपास पानीपत ग्रामीण विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने एक कलम से पास करके दे रखे हैं, इसलिए इन लोगों को पता ही नहीं है कि कितना पैसा आ गया, कहाँ लग गया। अब इनसे पूछेंगे भाई कहाँ लगा, अभी इतने वो है इनमें क्योंकि अकल तो है नहीं, इसलिए पूछेंगे। ये आरोप आप देवेंद्र कादियान ने लगाए ना है, वो तो नहीं लगा सकते, और दूसरे भी कई लोग हैं जो इस तरह के नापसना बात करते हैं।
देवेंद्र जी हमारे भाई हैं, उनसे हमें कोई वो नहीं है, मगर उनका भी एक टाइम था, उनकी भी सरकार थी, वो भी स्पीकर थे, उन्होंने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था। दिन रात नाक पर रुमाल रख के सारा परिवार घूमता था, बदबू आती थी। आज मैं पूछता हूँ, अगर उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कुछ बोला होगा कहीं, तो वो दिन याद करें और बताएं सब लोगों को क्या हाल था। और अब कहाँ पर है, अब कोई गली बची नहीं है। कुछ काम मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, हमारी तो खुली किताब है, मैंने तो पहले ही कह रहा हूँ, आपको भी पता होगा, मीडिया के लोगों को मैं कितनी बार पिछले 3-4 महीने से बोल बैठा हूँ कि 47.5 करोड़ रुपए के काम हमारे बाकी बचते हैं, 47.5 करोड़ के काम बचते हैं। मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ, 3 महीने में उन लोगों को ये 47.5 करोड़ के काम बचे हुए ये ध्यान नहीं। अब इसी 47.5 करोड़ में हम लोगों की एक भी गली नहीं बचेगी। दूसरी बात ये कि कुछ और शरारती टाइप लोग हैं, क्योंकि उनको आदमी तो कोई मिल नहीं रहे यार, उनको कोई घास डालता नहीं, लोग उनको पूछते नहीं। अब कहीं से भी कोई किसी को किसी छोर से पकड़ के लेके आएगा, कोई किसी छोर से पकड़ के लेके आएगा, 20-30 लोगों को हायर करके लेके आएंगे मंडली को, और किसी गली पे खड़े हो जाएंगे। अभी विद्यानंद कॉलोनी में खड़े हो गए जाके, कहा कि भाई देखो कितना बुरा हाल है। उन अकल के अंधों से पूछो कोई कि भाई ये बुरा हाल नहीं है, ये तो बुरे हाल में से निकाल के पहले मैंने वहाँ पर गली कॉलोनी वैध करा के गलियों को पक्का कराया। पक्का कराने के बाद मैं रुका नहीं, क्योंकि हमारी सोच तो विकास कराने की है। और मैंने तो इन लोगों से कहा भी है कि तुम चुपचाप अपना काम करते रहो, कुकर मुत्तों की तरह, बरसाती मेंढकों की तरह इस तरह के लोगों के फौज निकल के आएगी, वो कुछ ना कुछ बोलेगी, आप उनकी सुन लेना। वो लोग सुन लेते हैं, सुन के उनकी बात, फिर बाद में हंसते भी, फिर मुझे भी फोन करके कहते हैं। विधायक जी, अभी आपने बताया शहर से पहले भी 2 मंत्री रहे हैं, आप एक विधायक रहते हैं, आपने आवाज उठाई है विधानसभा में, मंत्री रहते हैं, उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठा पाई, क्या बात, नाकाम रहे? क्या पता ही नहीं, डेवलपमेंट हो ही नहीं जाता क्या? उनसे ये पूछे कि आप 2-2 बार मंत्री रहे हैं, आपने विधानसभा में कब खड़े होकर बोले बताएं? हरियाणा के विधानसभा में फ्लोर द हाउस सब कुछ होता है, ऑन रिकॉर्ड होता है, तो बोले नहीं कुछ। उनको पता ही नहीं था ना कि बोलना क्या है, कहना क्या है, विकास शुरू कहाँ से कराएं। ऐसा थोड़ी ना चू चू करते गाड़ी लेकर सायरन बजा के निकल गए, फलाना राम आया, ढिकड़ा राम आया। यहाँ तो हमने तो कभी इस तरह का सोचा किया नहीं, हमने तो काम किया साहब। और मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अगले 4 प्लान का काम भी इसी प्लान में कर गया। मेरा करने का मतलब ये है कि मैं सीवर पास करा गया, उनसे तो कॉलोनी भी वैध नहीं हुई, हमने कॉलोनी वैध करा ली, उनसे पक्के होने का तो सपना ही दूर की बात थी, हमने पक्का भी करा लिया। 2 प्लान का काम तो यही हो गया, 1 प्लान में वो लोग सीवर डलवाते, अगर उनकी पक्की हो जाती तो फिर अगली प्लान में वो पीने के पानी की पाइपलाइन डलवाते। भाई हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार आदमी है, हमारा मुख्यमंत्री काम के प्रति बहुत संजीदगी रखता है। हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि महिपाल डांडा जो काम है तू पकड़ लिया, मैं लेके चला गया, मैंने कहा सर पक्की कर दो, उसके लिए पैसा दे दिया, मैंने कहा सर सीवर डाल दो, उन्होंने सीवर के लिए कर दिया, फिर मैंने कहा पीने के पानी की पाइपलाइन भी डालनी, बोलो वो भी करा लो। अब वो पीने के पानी की पाइपलाइन और सीवर डल रही है, अब वो गली फटेगी? अगर मुझे उम्मीद थोड़ी थी कि हम लोग इतना जल्दी करा लेंगे, उन्होंने तो पीठ थपथपानी चाहिए कि अगले 20 साल का काम हमारे भाई ने अभी कर दिया और अभी वो गलियां फटेंगी। अब बारिश आ गई, कीचड़ भी होगा, मगर कोई कुछ बोल ले, कल चुनाव है, मैं चाहूँ तो उस काम को रोक के वाह वही लूट सकता हूँ, मगर मैं वाह वही नहीं लूटूंगा। मुझे इन लोगों का दर्द और पीड़ा का पता है कि कितने नरक में ये लोग जी रहे थे। वही बात नहीं, सीवर डलना, कभी न कभी सीवर डलेगा, कभी न कभी पीने के पानी की पाइपलाइन डलेगी, सड़क फटेगी फटेगी। हम तो भैया काम के दीवाने हैं, काम करेंगे। तो आप बलवीर पालसा को, ओम प्रकाश जैन को काम करना सिखा रहे हो आप? मैं किसी को नहीं सिखा रहा हूँ, मैं तो उनके, उन्होंने अगर कुछ किया होता, अगर वो कुछ वहाँ पे बोलते तो मैं उसकी बात बता रहा हूँ, आगामी भी बता रहा हूँ कि भैया अब वो दिन लद गए, बिना बोले कुछ नहीं होगा।
आपने बोलना पड़ेगा, आपने आवाज उठानी पड़ेगी, आपने समस्याओं को समझना पड़ेगा। अगर वो इन समस्याओं को समझते तो बोलते, उनको पता ही नहीं था समस्या क्या है। उनको समस्याओं का पता तो था मगर लोगों में बताने के लिए पता था, उसको जमीन पर प्रैक्टिकली उतारे कैसे इसकी जानकारी उनको नहीं होगी, या वो नहीं करना चाहते होंगे, ऐसी मंशा उनकी ना होगी। कोई भी रीजन उनका अपना व्यक्तिगत रह सकता है, क्योंकि पहले के पॉलिटिकल लोगों का एक एजेंडा रहता था, चाहे वो कांग्रेस के थे चाहे चौटाला के थे, कभी काम वाम मत कराओ, इन लोगों को लारे लगा के रखो, आश्वासन दे के रखो, झूठ बोल के रखो, या आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमने उस कहावत को पलट दिया, हमने कहा भैया हम तो सच्ची बोलेंगे, सच बोल के काम कराएंगे, धड़ल्ले से कराएंगे, जो काम ये सपने में भी नहीं सोच सके उन कामों को मैंने करा दिया।